धर्मशाला के हाई प्रोफाइल घरेलू हिंसा मामले में अब विधायक विशाल नेहरिया की पार्टी के नेताओं और सहयोगियों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सरवीन चौधरी ने इस पूरे मामले को समाज में जाने अनजाने में अकस्मात घटित होने वाली एक घटना करार दिया है। सरवीन चौधरी ने कहा कि वो निजी तौर पर चाहती है कि इस मामले को उन्हें आपस में सुलझाना चाहिए। धर्मशाला के हाई प्रोफाइल घरेलू हिंसा मामले में अब विधायक विशाल नेहरिया के पक्ष में पार्टी के नेता व सहयोगी भी बयान देने शुरू। धर्मशाला के हाई प्रोफाइल घरेलू हिंसा मामले में अब विधायक विशाल नेहरिया की पार्टी के नेताओं और सहयोगियों ने भी बयान देने शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ नेत्री सरवीन चौधरी ने इस घटना को अकस्मात घटित होने वाली एक घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना का किसी पार्टी सरकार से कोई नाता नहीं है और ना ही इस घटना का कोई इन संस्थाओं पर असर पड़ता है, मगर हाँ, जयराम सरकार के कार्यकाल में अगर ऐसी घटना पेश आई है तो वो पूर्ण निष्पक्षता के साथ इस मामले पर कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। मामला जिस भी दिशा में जाएगा सरकार का संपूर्ण सहयोग होगा। फिर भी जो निजी तौर पर चाहती हैं कि इस मामले को उन्हें आपस में सुलझा लेना चाहिए। देखो, हम समाज का एक अंग है, अच्छा बुरा सब चला रहता है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने में घटित हो जाती हैं और उसके लिए निष्पक्ष होकर मुख्यमंत्री जी और सरकार उसमें फैसला लेंगे। जो भी चीज़ें हैं इनको सही हो, ठीक हो और सब सेटल होना चाहिए, ये हमारी शुभकामना है सबके लिए और हम भी चाहते हैं सुख शांति से सारी चीज़ें जो है निपट जाए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।